सभी लोगों का मैं नए तकनीकी सत्र में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले सत्र में आप सभी लोगों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के ऐतिहासिक पक्षों की बात कर रहा था, जिसमें मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ और किस प्रकार देश बटे। और यहीं पर आकर मैंने अपनी बातों को समाप्त किया था। मैं थोड़ा सा आपको उसके आगे ले चलता हूँ। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है और जिनको ना पता हो उनके लिए एक जानकारी है, वो ये है कि विश्व दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बटा हुआ था, जिसको कहते हैं बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। एक वर्ड यूज़ किया जाता है डिफेंस स्टडीज़ में, बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था। उसमें सोवियत संघ और अमेरिका अपने अपने गुटों के अगुवा थे और दोनों के जो सैनिक गठबंधन थे उनको हम नाटो और वारसा पैक्ट के नाम से जानते हैं। 1990 के दशक में, 90 आते आते जब सोवियत संघ जब बट गया पूरे तरीके से और विश्व की व्यवस्था में सिर्फ एक देश का ही बोलबाला चलने लगा, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम यूएसए और अमेरिका के भी नाम से पुकारते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट लॉबी जो थी या जो कम्युनिस्ट कंट्री थे वो कमजोर होते दिखने लगे। अब आप पूछेंगे कि उस व्यवस्था में आखिर हमारा क्या योगदान था या हम किस तरफ थे। देखिए, उस समय हम गुटनिरपेक्ष की ओर थे और हम दोनों देशों से या दोनों गुटों से अपने फायदे की बात करते थे। जो हमको बातें अच्छी लगती थी उसमें हम उनका समर्थन करते थे, किसी भी गलत बात का हम कोई समर्थन नहीं करते थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारी विदेश नीति को शुरुआत से बनाने वालों ने गुटनिरपेक्ष जैसे शब्दों का प्रयोग किया और उस सिद्धांत में चले, और उसी का फायदा है कि भारत अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाने में सक्षम रहा। आज जब विश्व व्यवस्था में आप देख रहे हैं, अक्सर ये प्रश्न उठता है विश्व व्यवस्था के बारे में, और अक्सर आपको कंपटीशन में या जब आपको इंटरव्यू देने जाएंगे क्वेश्चन उठेगा कि गुटनिरपेक्ष का आप क्या मतलब रह गया, आप तो बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया, यूनिपोलर है ना, कई गुट सामने आ चुके हैं, G5 है, G7 है, दुनिया भर के ग्रुप हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, कम्युनिस्ट कंट्रीज अब कमज़ोर पड़ गए हैं, और अब जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो आखिर अब हम गुटनिरपेक्ष की क्यों बात करें, अब तो सिर्फ एक ही बात हो सकती है, वो है कि अमेरिका है, और इन सब चीज़ों को हम देखते हुए बात करें तो अक्सर ये प्रश्न उठते हैं कि बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बाद गुटनिरपेक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, वो प्रासंगिक है कि नहीं, इस पर भी बात उठती है। तो आज जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और नाटो जिस तरीके से यूक्रेन को आगे बढ़ाने के बाद अब लगभग गायब होता दिख रहा है, अमेरिका जैसे देश जो अब सिर्फ पहले कह रहे थे कि हम इसको सपोर्ट करेंगे, और अब जो है अफगानिस्तान में आप देख लीजिए या आप यूक्रेन में देख लीजिए, अमेरिका सामने नहीं आ रहा। उस कंडीशन में भारत जैसे देशों के लिए आज फिर से कूटनीतिकता के कारण ही यह स्थिति बनी है कि दोनों देश भारत से नाराज नहीं है। अमेरिका ने कह दिया कि भारत के संबंध रूस से बहुत पुराने हैं, इसलिए अगर वो UNSC में और संयुक्त राष्ट्र महासंघ में UNO में जब मतदान हुआ भारत वहां से एब्सेंट हुआ तो हम उसको बुरा नहीं मानते। इस चीज को देखिए रूस ने भी जो है अप्रिसिएट किया कि ठीक है भारत ने जो किया सही है। तो अगर हम किसी एक गुट की तरफ होते तो आज हम एक झगड़े में फंस चुके होते। ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता का ही कमाल है कि जब आज के तारीख में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो हम अपने आप को, अपने देश को हम बिल्कुल सेफ करके सामने खड़े हैं। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं और हम चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1990 के दशक के बाद जब संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रादुर्भाव होता है या उसका जब उदय होता है एक तरीके से विश्व व्यवस्था में, और एक तरीके से जब वही एक देश बचता है जिसके पास सब कुछ था और उसने अपने अकॉर्डिंग बहुत कुछ किया। आपने देखा होगा कि जब इराक का मुद्दा आया, उसके पहले जब अफगानिस्तान का मुद्दा आया, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक के बाद अमेरिका ने सीधे ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का नाम दिया कि अब जो है विश्व में ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म की बात होगी।
जब तक हम भारतवासी आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद झेल रहे थे, तो किसी का ध्यान नहीं था। जब उन पर अटैक हुआ तो वो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म हो गया, और अफगानिस्तान पर अटैक होता है, उसके बाद आप देखिए कि WMD के नाम पे, वेपन ऑफ मॉस डिस्ट्रक्शन के नाम पे, इराक में भी संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना प्रवेश करती है, सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है, और जो जो चीजें हुई उसके बाद देखिए, बिल्कुल एक हम उभार देख रहे थे। और उसके बाद सीरिया वाला जो आप एक फेज देखते हैं, आइसिस का जो मुद्दा था, उसमें आप देखिए कि अमेरिकी सेनाएं कहाँ कहाँ बॉम्बिंग कर रही हैं, सीरिया में कर रही हैं, इराक में कर रही हैं, अफगानिस्तान में आप देखिए चल रहा था, ईरान से भी टेंशन चल रही थी। तो उस चीज को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि आखिर अब इस व्यवस्था में सोवियत संघ कहाँ है। तो 90 में टूट चुका था, रूस था, जो देश टूटे वो इतने शक्तिशाली थे ही नहीं। अब बचती ये बात रूस की, अब रूस क्या कर रहा था। तो एक मुद्दा आता है कि रूस जब एक तरीके से जब शीत युद्ध चल रहा था, और शीत युद्ध के बाद रूस ने क्या क्या किया, किन किन देशों में प्रवेश किया, यूक्रेन में आज आप प्रवेश देख रहे हैं ना, तो उसके पहले कहाँ कहाँ रूस ने अपना प्रवेश किया, तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप देखिए 1971 के भी युद्ध में जब अमेरिका का जब सातवां बेड़ा आया था भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका का भी और ब्रिटेन का, दोनों का, तो रूस उस समय सोवियत संघ होता था, यूक्रेन वगैरह सब उसके पार्ट थे, उन्होंने वहां पर हमको बचाया, पूरी तरीके से सहायता करी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब भी टूट गए, उसके बाद मतलब 1990 के दशक खत्म होने के बाद की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय भी सोवियत संघ जब रूस में कन्वर्ट होता है तो रूस शांत नहीं था, रूस कहीं ना कहीं से अपने उस पुराने दर्जे को पाने के लिए लगा हुआ था। इराक और सीरिया में कहा जाता है कि देखिए वहां पर भी कहीं ना कहीं रूस का सपोर्ट था अमेरिका के एंटी पार्टी को। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो अफगानिस्तान में भी अगर आप देखें तो नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन प्राप्त था सोवियत संघ का उस जमाने में। अगर आप ऐसे ही बात करते हैं तो ईरान को भी समर्थन प्राप्त था रूस का, सीरिया की तरफ भी इनका झुकाव था, और अभी कुछ दिन पहले देखिए एक आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था, ये दोनों टूटे हुए देश थे जो कि सोवियत संघ से टूटे थे, तो उसमें भी आर्मेनिया को रूस का समर्थन प्राप्त था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का अभी का यह युद्ध नहीं है, ये 1980 के दशक से वहां पर गृह युद्ध चल रहा है, और इसमें 1994 में, 2016 में, पिछले साल ये बराबर कार्रवाइयां होती रही। और तुर्की जैसा देश, इसने भी अजरबैजान को ड्रोन सप्लाई किए थे। तो आर्मेनिया जैसे देश को अगर हम बात करते हैं कि रूस का समर्थन प्राप्त था, तो अजरबैजान जैसे देश को भी पश्चिमी देशों का, तुर्की का समर्थन प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं से अगर हम देखते हैं तो सोवियत संघ जब रूस के रूप में सामने है, उसे कुछ पार्ट टूट चुके हैं, उसने क्रीमिया देख लीजिए, और अब यूक्रेन पर वो आखिर अपनी आंखें गड़ाया हुआ है, तो अगर अब तक कुछ लोगों को यह शक था कि आखिर अब तक रूस शांत क्यों है, तो रूस कहीं से कोई शांत नहीं था। रूस अपने पुराने खोए हुए दर्जे को पाने के लिए बिल्कुल बेकरार था, उसकी अर्थव्यवस्था निसंदेह उस दर्जे की समय नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी, लेकिन सैनिक महाशक्ति अभी भी रूस है, और अपने उस दर्जे को पाने के लिए इसने हर वो काम कर रहा था जिससे बिना फ्रंट पर आए वो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए। बात समझिए, एक वर्ड होता है बूट्स ऑन ग्राउंड, तो बूट्स ऑन ग्राउंड में तो नो डाउट अमेरिका की सेनाएं अभी भी हर जगह हैं, इराक में लड़ी, सीरिया में बॉम्बिंग उन्होंने खूब किया, अफगानिस्तान में 10 साल से ज़्यादा रुकी टिके रहे, 2001 से लेकर के बल्कि अभी पिछले साल ही गए हैं, तो लगभग 2 दशक तक अपने आप में मायने रखता है टिकना, और उसके पहले तालिबान को सपोर्ट करने के नाम पर टिके रहे इनडायरेक्टली।
एक लंबा समय उन्होंने जो है वहां पर गुजारा है अगर आप देखते हैं। उसकी तुलना में अगर आप देखते हैं तो सोवियत संघ की सेनाओं का कहीं पर भी इस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं था कि अब यूक्रेन युद्ध में वो अपना सब कुछ दिखा रहे हैं, फादर ऑफ ऑल बम हो, वैक्यूम बम हो, या अभी परमाणु संयंत्रों पर हमला करना रहा हो, ये सब बातें सामने आई हो। तो अगर आप देखें तो उन सब चीजों पर इन्होंने बिल्कुल अपना खुला शक्ति का प्रदर्शन किया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है रूस, उसने अपनी शक्ति प्रदर्शन करने में पहले तो उसने छुप करके और अब वो बिल्कुल खुलेआम अपनी शक्तियों का सारा प्रदर्शन कर रहा है। तो मैंने अभी तक आपसे बात करी इस बारे में कि सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी है रूस, उसने अपने विघटन के बाद किस प्रकार युद्धों में अपना प्रदर्शन किया है। अभी तक तो हर जगह वो छुपके रहते थे, लेकिन नो डाउट सोवियत संघ के विघटन के बाद 1990 के दशक खत्म होने के बाद अमेरिका का जिस तरह आपको बिल्कुल अपनी सेना भेजने का रूप दिखता है वो रूस ने नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने सपोर्ट किया, अपने आप को आगे लाए और इस तरीके से उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते रहे। लेकिन अब वो यूक्रेन में अपनी सेनाओं का पूरा यूज कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दे दी कि किस तरह इन्होंने अपना रूप बदला है, किस तरह ये अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि इनका आखिर उद्देश्य क्या है। धन्यवाद।